Hello, students. Today we are going to start our new lesson. But before that, please make sure that you like the video and subscribe the channel. And also, don't forget to press the bell icon. Now, we will read chapter 3 Glimpses of the Past. Before you read, हेयर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्सिज ऑफ द हिस्ट्री यहाँ पे कुछ इतिहास की चित्रात्मक झलकियाँ हैं of आवर कंट्री हमारे देश की फ्रॉम 1757 फिफ्टी सेवन टू एटीन फिफ्टी से लेके अठारह की दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स विल हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशंस दैट लेड टू द इवेंट नॉन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। ये तस्वीरें और स्पीच बबल्स स्पीच बबल्स क्या होता है उक्ति मुखड़े और कौन से होते हैं ये इनको बोला जाता है स्पीच बबल्स ये तस्वीरें और उक्ति मुखड़े हमें उन हालातों को समझने में मदद करेंगे जिनके कारण अट्ठारह में स्वतंत्रता का पहला युद्ध हुआ तो बच्चों स्वतंत्रता का पहला युद्ध पहला संग्राम कौन सा माना जाता है अठारह का द मार्टर्स शहीद एट अ फंक्शन इन दिल्ली ये दिल्ली में एक समारोह में है ये लता मंगेशकर जी हैं और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं लाल बहादुर शास्त्री जी हैं तो ये एक फंक्शन में बैठे हुए हैं और उसमें क्या है लता मंगेशकर जी गाना गा रही हैं ओ माई कंट्री मैन मेरे वतन के लोगों लेट अवर आइज फिल विद tears. आओ हमारी आंखें आंसुओं से भर लो मतलब ये वो गाना गा रही है ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेज ऑफ India's martyrs, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी तो यहाँ पे रिकॉल मींस याद करना और सेक्रीफाइसेज मेन्स कुर्बानियाँ। सेकेंड पार्ट द कंपनीज कॉनक्वेस्ट सेवनटीन फिफ्टी सेवन टू एटीन फोर्टी नाइन कंपनी की विजय है ये सत्रह सो सत्तावन से लेके अठारह सो उनचास तक विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स अपने सर्वोत्तम हथियारों के साथ अपने आधुनिक हथियारों के साथ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन एटीन सेंचुरी इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी शक्ति अपनी पावर 18वीं शताब्दी में भारत में फैला रही थी एक्सटैंडमेंच फैलाना विस्तार करना इंडिया 1765 और ये इंडिया का मैप है मानचित्र है जो क्या है सत्रह ईस्वी का है इसमें जो येलो कलर है वो क्या है इंडियन प्रिंसेज, भारतीय राजकुमारों का राज्य था और जो पिंक कलर है वह ब्रिटिश टेरिटरी है ब्रिटिश साम्राज्य है यहाँ पे तो बहुत कम हिस्से पे क्या है सत्रह में अधिकार था अंग्रेजों का लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या है पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था क्यों हुआ ये साम्राज्य स्थापित यहाँ पे कुछ कारण जो है रीजन जो है यहाँ पे बताई गई है इंडियन प्रिंसेज वर शोर्ट साइटेड भारतीय राजकुमार अल्पदृष्टा थे शॉर्ट साइट मीन अल्प दृष्टा दैट अपस्टार्ट राजा वह कल का नवाब राजा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स अंग्रेज व्यापारियों को बुलाओ दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम वे मेरी उसे हराने में मदद करेंगे डिफ़ीट मींच हराना यहाँ पे कौन बोल रहा है ये बात ये राजा कह रहा है राजा की तरफ ये स्पीच बबल दर्शाया गया है शो कर रहा है द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स लोगों में इन लगातार लड़ाइयों के कारण कोई शांति नहीं थी द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेज वन बाय वन इन दुश्मनियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की और एक के बाद एक वन बाय वन एक के बाद एक करके भारतीय राजकुमारों को आसानी से अपने अधीन करते चले गए अफार सिंह रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फोर्ट द ब्रिटिश स्टिल ही डाइड फाइटिंग एक दूरदृष्टा राजा बहादुर टीपू सुल्तान जो मैसूर का राजा था वो अंग्रेजों से मरते दम तक लड़ा ये टीपू सुल्तान है ब्रेव टीपू सुल्तान हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट इन विजयों पर भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया थी कैसी प्रतिक्रिया थी ये अब हम पढ़ेंगे यहां पे. थैंक गॉड देर इज पीस इन द कंट्री नाउ भगवान का शुक्रिया अब देश में शांति है पीस मिन्च शांति नो मोर वॉर्च कोई युद्ध नहीं एंड नो लूटिंग बाय ठग्च और अब कोई बदमाशों द्वारा लूट मारे नहीं ये कौन बोल रहे हैं इंडियंज बोल रहे हैं इट इज गोड हुट द्रिटिश ये भगवान ही है जिसने क्या है अंग्रेजों को भेजा है आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद हमारा भाग्य अब उनके साथ जुड़ा है अब ये क्या है नेटिवज बोल रहे हैं भारतीय लोग बोल रहे हैं इन बातों को ये प्रतिक्रियाएं हैं उनकी रिएक्शन है द वाइट मैन हैज किल्ड और डी थॉन्ड आर किंग्स अंग्रेजों ने हमारे राजाओं को गद्दी से उतार दिया या मार दिया है बातें हो रही हैं क्योंकि जो भारतीय राजा थे भारतीय राजकुमार थे उनको क्या है अंग्रेजों ने या तो मार दिया था युद्ध में या फिर उनको सिंहासन से उतार दिया था रिलीजियस लीडर्स प्रीस्ट आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज उस समय के जो धार्मिक नेता थे उन्होंने अनटचेबिलिटी छुआछूत, चाइल्ड मैरिज बाल विवाह छुआछूत और बाल विवाह पर क्या है अपने उपदेश दिए एनी वन हु क्रॉसेज द सीज लूजेज हिज रिलीजन कोई भी जो समुद्र पार करता है अपना धर्म खो देता है ऐसा क्या है हमारे जो धर्मगुरु थे वो कहते थे तो यहाँ पे क्या है एक धर्मगुरु बैठे हुए हैं वो अपना उपदेश दे रहे हैं ओल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन सारा जो दुख है संसार में वो औरतों के कारण है यहाँ पे क्या है औरतों की भी क्या है उस समय में दयनीय हालत ही द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लोस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट सच्चाई है भारतीयों ने अपना आत्मसम्मान खो दिया था द ब्रिटिश कॉन्डम और अंग्रेज जो है उन्हें नफरत से देखते थे घृणा करते थे द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट जो यहाँ के लोग हैं भारतीय लोग हैं नेटिव्स हैं वो क्या है विश्वास के योग्य नहीं है इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी और ईमानदारी के योग्य नहीं है मतलब उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है वह सच्चे नहीं है ईमानदार नहीं है ट्रू सच है योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट सच है सरकार परंतु मैं ईमानदार हूँ बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वॉन्टेड क्विक प्रॉफिट्स व्यापारी होने के नाते जो ब्रिटिश थे वो जल्दी लाभ चाहते थे प्रॉफिट मींच लाभ देयर हैवी टैक्सीज फोस्ट फार्मर्स टू अबेंडन देअर फील्ड्स उनके भारी करों ने जो किसान थे उनको अपने खेत छोड़ने के लिए मजबूर किया अबेंडन क्या होता है छोड़ना त्याग करना फोस्ट मींच मजबूर किया बट योर मैन आर टेकिंग ओल माई क्रॉप परंतु आपके आदमी मेरी सारी फसल ले जा रहे हैं ये कौन बोल रहा है ये फार्मर बोल रहा है यू आर स्टिल इन अरियर्ज आप अभी भी कर्ज में हो कर्जदार हो इफ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक यदि आप अगले हफ्ते कर्जा नहीं देते हो आई विल सेंड यू टू जेल मैं आपको जेल भेज दूंगा तो ये कौन बोल रहा है ये अधिकारी बोल रहा है अंग्रेज अधिकारी बोल रहा है स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मैथड्स विच गेव मोर प्रॉफिट्स फिर भी अंग्रेजों ने फायदा कमाने के लिए ज्यादा लाभ कमाने के लिए अन्य तरीके इजाद किए इन्वेंटमेंट्स इजाद करना या आविष्कार करना खोजना द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एन इंपोर्ट ड्यूटी वैन ब्रॉट इन टू इंडिया अब ये अंग्रेज अधिकारी यहाँ पे बोल रहा है कि इंग्लैंड में बनने वाले सामान पर भारत में बिना आयात करके लाया जाए अ गुड आइडिया दूसरा बोल रहा है अब इसमें अच्छा विचार द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगैन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज और ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनों ने भारतीय उद्योग को पंगू बना दिया मतलब भारतीय जो उद्योग थे वो क्या है चरमराने लगे इन एविटेबली फैमेंज फॉलोड अनिवार्य जो अकाल है वो आया मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता था अकाल पड़ा वो हमारे बस में नहीं था जिसको टालना वो अकाल पड़ा बिटवीन 1822 एंड 1836 फिफ्टीन लैक इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन 1822 और 1836 के बीच 15 लाख लोग भारतीय 15 लाख भारतीय भूख के कारण मर गए स्टारवेशन क्या होता है भूखमरी भूखमरी के कारण मर गए द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड एक्सपर्ट आर्टिजन एंड देयर बिजनेस जो ब्रिटिश नीतियां थी ब्रिटिश जो कानून थी उन्होंने क्या है जो कुशल कारीगर थे भारत के उनको और उनके व्यवसाय को उनके धंधे को क्या कर दिया बर्बाद कर दिया रोइंड कर दिया रोइंड क्या होता है बर्बाद करना अब है फोर्थ पार्ट राम मोहन रॉय सेवनटीन सेवेंटी टू टू एटीन थर्टी थ्री सत्रह बेहतर से लेकर अठारह का काल किसका रहा राम मोहन रॉय का राम मोहन रॉय अ लर्न मैन एक विद्वान व्यक्ति फ्रॉम बंगाल बंगाल से अंडरस्टूड वट वॉज विद द कंट्री। वो समझ गए कि देश में क्या गलत हो रहा था लेट एस नॉट डिस्पाइज अर सेल्वज आओ हम खुद त्रिस्कृत ना समझे डिस्पाइज मींस त्रिस्कृत समझना हम अपने आप को क्या है उपेक्षित ना माने आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट हमारा जो प्राचीन संस्कृति है वह महान है एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स और हम महान उपलब्धियां प्राप्त करने के योग्य हैं या हम जो बड़े जो लक्ष्य है उनको प्राप्त कर सकते हैं वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी हमें सबसे पहले अपनी सोसाइटी में सुधार करना होगा हमें अपने समाज में सुधार करना चाहिए सुपरस्टिशंस हैव बिन रूनिंग जो अंधविश्वास है वो हमें बर्बाद कर रहे हैं सुपरस्टिशंस क्या होता है अंधविश्वास ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज वह विज्ञान और आधुनिक ज्ञान से प्रभावित थे अट्रैक्टमिंस आकर्षित होना या प्रभावित होना नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक ये कौन कह रहे हैं राजा राम मोहन राय कह रहे हैं नॉलेज ज्ञान जो है वो व्यवहारिक होना चाहिए और वैज्ञानिक होना चाहिए ही स्टार्टेड न्यूज पेपर्स उन्होंने अखबार शुरू किया बट दस्पीशियस ब्रिटिश परंतु जो संदेही ब्रिटिश थे स्टॉप्ड दैम इन एटीन ट्वेंटी थ्री उन्होंने उसे अठारह सौ तेईस में बंद कर दिया स्टॉप कर दिया किसको न्यूज़ पेपर्स को अखबारों को उन्होंने क्या है अखबार निकालने शुरू कर दिए थे लेकिन अंग्रेज़ों ने शक के मारे उनके अखबारों को बंद कर दिया ही टोल्ड हिज वाइफ उमा उन्होंने अपनी पत्नी उमा को बताया कहा काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स गाय विभिन्न रंग की होती है बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम परंतु उनके दूध का रंग एक जैसा ही होता है गाय चाहे कितने ही रंगों की हो काली सफ़ेद लाल भूरी जो भी हो लेकिन उनका जो दूध का कलर होता है मिल्क का जो कलर होता है वह सफ़ेद होता है डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस विभिन्न गुरुओं का अपने विभिन्न विचार होते हैं बट देंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम परंतु जो हर धर्म का जो सार होता है इसेंस सार वह एक ही है वह सेम है मतलब धर्म क्या है कोई बुरा नहीं है ही क्रोस्ड द सीज उन्होंने समुद्रों को पार किया एंड वेन टू इंग्लैंड टू सी वट मेड द ब्रिटिश पावरफुल और इंग्लैंड गए ये देखने के लिए कि जो अंग्रेज है वो शक्तिशाली किस कारण बने हैं देर ही टोल्ड दैम वहाँ उन्होंने उन्हें बताया वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स हम आपको एक शासक के रूप में स्वीकार करते हैं एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स और आपको क्या है हमें एक प्रजा के रूप में स्वीकार करना चाहिए क्या कहा कि हम तो आपको शासक मान लेंगे लेकिन आपको भी क्या करना होगा हमें प्रजा के रूप में स्वीकार करना होगा बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रूलर ऑल टू हिज सब्जेक्ट्स परंतु आपको जो एक शासक की राजा की उत्तरदायित्व तो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी प्रजा के प्रति अपने प्रजा के प्रति जो आभारी होना चाहिए एक शासक को उस उत्तरदायित्व को आपको याद रखना होगा फिफ्थ पार्ट ऑपरेशन दमन 1765 टू 1835 थर्टी से लेके 1835 तक बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस परंतु जो ब्रिटिश थे जो अंग्रेज थे उन्होंने भारतीयों का दमन जारी रखा इन 1818 1818 में दे हेड पास्ट रेगुलेशन थर्ड उन्होंने अधिनियम तृतीय पास किया अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेलड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट इसके अंतर्गत एक भारतीय को बिना कोर्ट में मुकदमा चलाए जेल हो सकती थी मतलब जो अधिनियम थर्ड था उसके अनुसार बिना कोर्ट में पेश किए किसी भारतीय को क्या है जेल हो सकती थी ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीच एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस पूरे समय जो ब्रिटिश अधिकारी थे भारत में वो बड़ा वेतन लेते थे और अपना जो प्राइवेट बिजनेस था प्राइवेट जो व्यवसाय था या निजी व्यवसाय था उसमें भी अपना किस्मत आजम उसमें भी अपनी किस्मत आजमाते थे तो सारी तरफ से वो क्या कर रहे थे प्रॉफिट ले रहे थे बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्द सेवन करोड़ रुपीज टू इंडिया अठारह तक ब्रिटेन जो है भारत को सात करोड़ रुपए का जो है ब्रिटिश सामान निर्यात कर रहा था एक्सपोर्ट मीन्स निर्यात करना गवर्नर जनरल बैंटिक रिपोर्टेड बैक होम जो बैंटिक गवर्नर जनरल थे भारत के उन्होंने क्या है इंग्लैंड में वापसी में कहा द बोन्स ऑफ कॉटन रिवर्च आर ब्लीचिंग द प्लेन्ज ऑफ इंडिया कपास के बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को सींच रही है मतलब उनको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है जिंदा रहने के लिए किसको जो कपास बुनकर थे मतलब कपड़ा बुनने वाले थे द ब्रिटिश प्रोस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगैन टू डाई जो ब्रिटिश थे जो अंग्रेज थे वो कंपनी की लूट पे क्या है उन्नति कर रहे थे प्रोस्पर हो रहे थे और जबकि भारतीय जो उद्योग था खत्म होने जा रहा था खत्म हो रहा था तो पुरोस्पर मीनिंग क्या होता है संपन्न होना डिसन 1835 थर्टी फाइव टू फिफ्टी सिक्स से लेकर छप्पन तक डिसेटिस्फेक्शन असंतुष्टि एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्सियन एंड संस्कृत भारत में जो शिक्षा थी वो फारसी में थी और संस्कृत में थी इन 1835 थर्टी फाइव आ इंग्लिश मैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड अ चेंज जो एक अंग्रेज था मैकाले उसने क्या है एक बदलाव सुझाया वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज हमें यहाँ के निवासियों को अंग्रेजी भाषा में सिखाना चाहिए पढ़ाना चाहिए एग्री मैं सहमत हूँ या ठीक है इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड कलर्क टू होम द ब्रिटिश गेव पैटी under अंडर अंग्रेजी शिक्षा ने कलर्क पैदा किए जिन्हें अंग्रेजों ने अपने नीचे छोटी नौकरियों पर रखा इंसिडेंटली भाग्यवश इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इसने क्या है बुद्धिजीवियों की भी एक नई पीढ़ी को जन्म दिया इंटिलेक्चुअल क्या है बुद्धिजीवी वी मस्ट एजुकेट आर ब्रदर्स हमें अपने भाइयों को शिक्षित करना होगा यहाँ पे एक नेटिव बोल रहा है भारतीय नागरिक बोल रहा है सेकेंडि नेटिव क्या कह रहा है एंड ट्राई टू इंप्रूव देयर मेटीरियल कंडीशन और उनकी भौतिक स्थिति को सुधारना होगा या और कोशिश करें उनकी भौतिक स्थिति को सुधारने की थर्ड क्या कह रहा है फोर दैट टू द्रिटिश पार्लियामेंट हमें अपनी शिकायत ब्रिटिश संसद में भेजनी चाहिए ग्रीवेंस क्या है शिकायत बाय 1856, फिफ्टी सिक्स द ब्रिटिश हेड कॉन्क्वर्ड द हॉल ऑफ इंडिया अठारह तक अंग्रेजों ने पूरे भारत पे क्या है विजय प्राप्त कर ली थी तो यहाँ पे ये स्टेट्स हैं येलो कलर में और पिंक कलर देखो आप कितना ज्यादा बढ़ गया है जो ब्रिटिश साम्राज्य है ये पिंक कलर लगभग क्या है पूरे भारत पे ही क्या है ब्रिटिश साम्राज्य हो गया था दे केयर्ड लिटल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस वो भारतीयों की जरूरत की तरफ बहुत कम ध्यान देते थे और हैव बिकम पपेट्स हमारे जो राजा थे उनकी कठपुतलियां बन चुके हैं एंड वी हैव लॉस्ट आवर गोल्ड ओल्ड जॉब्स और हम अपनी पुरानी जो नौकरियां हैं वो खो चुके हैं एंड लैंड ये कौन बोल रहा है नेटिव जो बोल रहे हैं भारतीय नागरिक बोल रहे हैं और जमीने जमीने खो चुके हैं दे आर कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स वो हमारे भाइयों को बदल रहे हैं बदल रहे हैं मतलब धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं यू ओनली टॉक आप केवल बात करते हैं डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट कुछ करो उनको बाहर निकालने के लिए अब विद्रोह की आवाज जो है उठने लगी थी चिंगारी 1855-257 जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वो चिंगारी यहाँ पे प्रेजेंट की गई है दर्शाई बताई गई है टैक्सीज कंटिन्यू टू द पीजेंट्स किसानों को बर्बाद करने के लिए कर जारी रहे इन बेंगाल द संथाल्ज हु हैड लोस्ट देअर लैंड बंगाल में संथाल जिन्होंने अपनी जमीने खो दी थी अंडर न्यू लैंड रूल्स नए जमीन नियम के अंतर्गत बिकेम डेस्पेरिट वो निराश हो गए इन एटीन फिफ्टी फाइव दे रॉज इन रिबिलियन उन्होंने विद्रो किया एंड मास यूरोपियंज एंड देयर स्पॉटज अलाइक और जो यूरोपियन थे उनके सुपोर्टर को उनके समर्थकों को और यूरोपियनों को क्या है नरसंहार कर दिया उनको मार दिया उनकी हत्या कर दी डिसकंटेंट वॉज ब्रिविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी जार्मी टू जो असंतुष्टि थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भी उभर रही थी वाइट शोल्जर गेट्स जो अंग्रेज सिपाही थे उनको बड़ी तनख्वाह मिल रही थी पे मिल रही थी बड़े भवन मिल रहे थे इन रहने के लिए, नौकर मिल रहे थे। जो अंग्रेज सिपाही थे उनको विशाल तनख्वाह, बड़े भवन रहने के लिए और नौकर मिल रहे है वाह वी गेट अप पेटेंस एंड स्लो प्रमोशन जबकि हमें क्या मिल रहा है अल्प वेतन और जो धीरे जो है प्रमोशन मिल रही है प्रमोशन मिन्स तरक्की उन्नति द अंग्रेज आस टू अंग्रेज हमें समुद्र पार करने के लिए कहते हैं विच इज अगेंस्ट आवर जो हमारे धर्म के विरुद्ध है हु इज द टॉपी वाला टू अबोलिस आवर एज ओल्ड कस्टम्स कौन है ये टॉपी वाला जो हमारे पुराने रीति रिवाजों को खत्म कर रहा है तो अबोलिस मिन्च खत्म करना विनाश करना मतलब कौन होता है ये टोपी वाला जो हमारे पुराने रीति रिवाजों को खत्म कर रहा है या बदल रहा है वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज हमें अवश्य ही क्या है अंग्रेजों को बाहर निकालना चाहिए या निकालना होगा सिपोई मंगल पांडे अटैक्ट दुन ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एजी सिपाही मंगल पांडे ने अपनी रेजिमेंट के एडजुटेंट पर हमला किया और उसे कानूनन मृत्यु दंड दे दिया गया Thousands ऑफ अदर सिपॉयज revolted, हजारों अन्य सिपाहियों ने विद्रोह किया दे stripped ऑफ देयर uniforms, उनकी वर्दियों को उतार लिया गया मतलब उनको नौकरी से हटा दिया गया ह्यूमिलेटेड अपमानित किया गया एंड in irons और उन्हें सलाखों में डाल दिया गया आयरन से मतलब यहां पे क्या है सलाखें फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर्ड टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और क्या है भारतीय रिवाजों और भारतीय लोगों के दिमाग को पढ़ने की परवाह की थी ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स अरे ब्राह्मण सिपाही डू यू नो क्या तुम जानते हो दैट द ग्रीज ऑन द बुलेट कि जो गोली पर चर्बी लगी है यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिच जो आपको काट कर निकालना होता है मुंह से काटना होता है वह क्या है गाय और सुअर की चर्बी से बना है यहाँ पे क्या है एक अंग्रेज जो है किसी ब्राह्मण को बता रहा है वट क्या अब ये ब्राह्मण क्या है ब्राह्मण बोलता है क्या द वाइट मैन डिसीव्ड अस टू अंग्रेजों ने हमें भी धोखा दिया है यहाँ पे क्या है मुस्लिम है ये मुस्लिम भी कह रहा है क्योंकि यहाँ पे पिग्ज की भी क्या है सूरों की भी क्या है चर्बी का इस्तेमाल हुआ है इसलिए यहाँ पे मुस्लिम भी कह रहा है कि अंग्रेजों ने हमें भी धोखा दिया है गोरों ने हमें भी धोखा दिया है सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज जल्दी ही एक गांव से दूसरे गांव में चपातियां रोटियां भेजी गई टू टेल द पीपल लोगों को बताने के लिए दैट देयर एम्पर वु वॉन्ट देयर उनका राजा उनके राजा को उनकी सेवा की जरूरत होगी मतलब युद्ध में उनकी जरूरत होगी यस ओल्ड माई विलेज मैन विल बी रेडी हाँ मेरे सारे गांव के लोग सारे गांव के जो आदमी है वो तैयार होंगे मतलब तैयार हैं लड़ने के लिए यहाँ पे एक जो ग्रामीण है वो कह रहा है सिमिलरली लोटस फ्लाज वैसे ही क्या है जो कमल का फूल है वो भी सर्क्यूलेट किया गया घुमाया गया अमंग इंडियन सोल्जर्स भारतीय सिपाहियों के मध्य में डेथ टू द फोरनर अंग्रेजों की मौत द मासीज गेव ऑल हेल्प एंड सेल्टर टू द दैट्रियोर्ट जनता ने देशभक्तों को मदद और आश्रय दिया सेल्टर मींस आश्रय रिवोल्ट 1857 विद्रोह अठारह में अठारह में हमारा विद्रोह हुआ पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया देन देर वोजा वोलेंट आउटब्रेक एट मेरठ अब मेरठ में तीव्र विद्रोह हुआ आउटब्रेक क्या होता है विद्रोह, वॉयलेंट तीव्र लॉन्ग लिव और एम्पर बहादुर शाह हमारे सम्राट बहादुर शाह सलामत रहे अब यहाँ पे क्या है जो आम जनता है या सिपाही है उन्होंने क्या है बहादुर शाह को अपना क्या है सम्राट घोषित कर दिया था द स्प्रेड वाइडर और जो विद्रोह था वो विस्तृत फैल गया दूर दूर तक फैल गया मैनी लैंड लोर्ड हैड लोस्ट देर लैंड कई जमींदारों ने अपनी ज़मीनें खो दी थी बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज अंग्रेजी नीतियों के कारण एंड वर सोर और वो नाराज थे सोर मींस नाराज द वाइट man's रूल मस्ट एंड यहाँ पे भारतीय नागरिक कह रहे हैं कि अंग्रेजों का शासन खत्म होना चाहिए या अंग्रेजों के शासन को खत्म होना होगा यस वी विल हेल्प यू हां हम तुम्हारी मदद करेंगे द फाइट फॉर फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए लड़ाई 1857। फिफ्टी सेवन मैनी फॉर्मर रूलर्स कई पूर्व के शासक लाइक like बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ जो क्या है लखनऊ की शासिका थी बेगम हजरत महल वर बिटर वे नाराज थे कई पूर्व के शासक जिनमें क्या है जैसे बेगम हजरत महल थी लखनऊ की शासिका उनमें शामिल थी वो क्या थे नाराज थे द वाइल्ड मैन टेकन अवे माई किंगडम अभी बेगम हजरत महल कह रही हैं कि गोरो ने मेरे, मेरा मेरा साम्राज्य ले लिया है मेरा राज्य ले लिया है पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद लोकप्रिय नेता जैसे मौलवी अहमदुल्ला जो फैजाबाद के थे टोल्ड द पीपल उन्होंने लोगों को बताया राइज ब्रदर्स, उठो भाइयों, राइज जागो द अंग्रेज आर लैंड, अंग्रेज हमारी जमीने जमीनों को बर्बाद कर रहे हैं दे ज्वाइंट द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर। उन्होंने विदेशियों के प्रति जो लहर थी उसमें वो शामिल हो गए या चढ़ाई थी अपसर्ज क्या होता है चढ़ाई द पीपल रोज एवरीवे लोग हर जगह उठे इन बरेली कानपुर एंड अलाहाबाद बरेली में कानपुर में और इलाहाबाद में अजीमुल्ला खान टोल्ड ताता ट्यूब अजीमुला खान ने ता टोपे को बताया वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमें इस स्वतंत्रता के युद्ध में हमारा नेता पेशवा नाना साहब को मानना चाहिए द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश देशभक्तों ने ब्रिटिशों पर ब्रिटिश पर आक्रमण किया एंड फोर्ट पिचड बैटल्स और घोर युद्ध किया या घोर लड़ाई लड़ाई ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया पूरे उत्तर भारत में पाउन अपॉन क्या होता है बच्चों आक्रमण करना पिस्ड बैटल क्या होता है घोर युद्ध तो क्या है पूरे उत्तर भारत में देशभक्तों ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया और घोर लड़ाई लड़ी घोर युद्ध लड़ा एटी ईयर ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिजरिस्ट अस्सी साल के कुंवर सिंह जो बिहार के राजा थे उन्होंने उन्हें क्या है अपनी कलाई में एक गोली लगी मदर गंगा माँ गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू ये मेरी आपको आखिरी भेंट है यही कहकर क्या है उन्होंने अपने बाजू गंगा में काट दी तो ये था हमारा स्वतंत्रता युद्ध फर्स्ट फ्रीडम वॉर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स और ये फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से किसने लिखा है हु इज द राइटर एस डी सावंत आई होप यू गोट द लेसन थैंक्स